मुंबई एयरपोर्ट कस्टम ने 29 सितंबर को 490 ग्राम कोकीन ले जा रही एक यात्री को पकड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। इसे वह अपने सैंडल में बनाई गई एक विशेष छेद में छिपा कर रखी थी। मामले में यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक बोलिवियाई महिला को 13 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 3 किलोग्राम ब्लैक कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि बोलिविया की महिला को सोमवार को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से ब्राजील से लाया गया प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया।